सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीवा है। कहाँ से? हैदराबाद से हूँ। अच्छा लोकल से ही है? लोकल से हूँ। तो सर आप लोकल वालों का भी लोकल को भी लेते हैं सर, पूरा ऑल ओवर इंडिया का भी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सेम सिटी से तो नहीं आना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर बैच में एक बच्चा आपको हैदराबाद का दिखेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि लोकल में पढ़ाने का, मैंने ये देखा कि काफी बंदे नहीं पढ़ाते, उन्हें ये लगता है कि अगर हम स्टूडेंट को नहीं सिखा पाए तो फिर वो बवंडर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से किधर से भी आ सकते हैं। चलिए वो तो यही बताने वाले। सर आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? सर मैं तो पहली बार एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर, सबको धन्यवाद हैदराबाद ओलंपिक्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि हर मास्टर हर टीचर एक मास्टर के बराबर है। यहाँ पे चार चार मास्टर से बेरोज सर, सागर सर, सगीर सर और टॉफिक सर, बिल्कुल इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आपने टीचरों को सम्मान दिया और टीचर को सबको ही सम्मान देना चाहिए, हर स्टूडेंट को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी अगर किसी टीचर के से मैं अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ाऊँ तो देखो वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक राह दिखाई है कि बेटा तेरे को इस लाइन पे चलना है। अब उसके आने वाले टाइम में हो सकता है, क्या पता मेरे आने वाले टाइम में टीचर भी हो सकता है चेंज हो जाए, मगर एक जो गुरु होते हैं जो शुरू में हमें राह दिखाते हैं, हम चलते तो उसी के ऊपर है ना। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे थे सर? सर मैं 10 साल से काम कर और ये 10 साल में मैं एक्चुअली आखिरी एंड पे ऐसा आ गया था मेरे को, मैं ये फोन नहीं बन सकता एक्चुअली, यूज एंड थ्रो समझता था फोन। अच्छा अच्छा अच्छा। जब से मैं आपके वीडियोस फेरोज सर के वीडियोस मैं जब से देख रहा हूँ, हाँ फोन में इतना नॉलेज हो सकता क्या बोल के सोचता था। एक साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ था फोन फिक्स के लिए आने के लिए। ओके, जब से कहीं क्यों वो तो मेरा फैमिली है बिल्कुल, वो सब सोच के जब मेरे को मैं वीडियो जब देखता था फोन फिक्स के, तो जब मेरे को मालूम हो रहा था फोन इतना डीप नॉलेज है यहाँ पे फोन में, फोन में इतना नॉलेज पा सकते अपन बोल के, मेरे को वो कॉन्फिडेंस आने से मैं फोन फिक्स को आया और फुल्ली कॉन्फिडेंस हूँ। फोन फिक्स का हार्डवेयर रहने दो या सॉफ्टवेयर रहने दो, स्केमेटिक डायग्राम रहने दो, ए से लेके जेड तक पूरा आपको फोन पूरा डैमेज भी हुआ तो आप बना के दे सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस यहाँ आए बाद मेरे को आया है। okay. और बहुत बहुत धन्यवाद सब टीचर्स के लिए। और अगर आपसे कोई शॉप पे जाके अपना फोन रिपेयर कराना चाहता है या पर्सनली कोई रिव्यू लेना चाहता है तो आप अपना शॉप का एड्रेस बताइए, ताकि काफी भाइयों को ये लगता है हमने बिठाया होगा, शायद मैंने ही बिठाया होगा, ये कोई फेक वीडियो रहने वाली है। भाई मैं शॉप का एड्रेस इसीलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप इनकी शॉप पे जाके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो सर आप शॉप बताइए। मेरा जयहनुमान मोबाइल्स है। ओके, और हैदर शाह कोर्ट में है, तो तेलंगाना से आगे और मोदी तेलंगाना में है, गंडीपेट के रोड पे है एक्चुअली। और मैं सभी व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा मैकेनिक बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, किसका नौकरी करना नहीं है, खुद के पैरों पे ठहरना है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन हो जाए और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 1-20 दिन में आपको कैसा इंप्रूवमेंट मिलता आप देखे लाइफ में, और आपके पैर पे आप ठहर के आप ये चार मास्टर को याद कर लेंगे लाइफ में, ये है हमारे सर, ये है हमारे गुरु बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आज हम बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन के बारे में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे एक 6 लाख का आईसी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जिसमें कोशिश की है आपको समझाने की कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद। हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे ही मैं नए नए वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड करूंगा, इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारे साथ चैनल को फॉलो करके हमारे वीडियोस को देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर फोन फिक्स हैदराबाद एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर हर टेक्नीशियन भाई को हम चाहते हैं कि उनको हमारे चैनल से या फोन फिक्स हैदराबाद के सभी टीम के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आप अपडेट होते रहे हमारे साथ, आपका बिजनेस जो है आगे ग्रोथ हो, आगे बढ़े, आपकी इनकम आगे बढ़े, ये हमारा एक मोटिव है। इसके ऊपर हम सभी सारी टीम हमारी फोन फिक्स हैदराबाद की यहाँ पे काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको शो करता हूँ कि 6 लेग का आईसी किस तरह से यहाँ पे काम करता है। ये जो सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये लाइट सेक्शन का सर्किट है, जहाँ पे एक 6 लेग का लाइट ड्राइवर आईसी बहुत सारे हैंडसेट में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ओप्पो रियलमी के हैंडसेट्स है जहाँ पे आपको ये वाला आईसी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बच्चे काफ़ी बार
आईसी बदल लेते हैं या आसपास के कंपोनेंट्स बदल लेते हैं या कनेक्टर को रिप्लेस कर लेते हैं, इसके बावजूद भी उनकी लाइट उनके हैंडसेट में नहीं रिपेयर हो पाती है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपका जो भी गलती है, जो भी मिस्टेक है, इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड बहुत सारे लाइट के आईसीस आते हैं, जैसे हम पहले एक शेल एक का यूनिवर्सल आईसी आया करता था जो कि हम किसी भी हैंडसेट में लगाते थे। उसके बाद ये एक न्यू आईसी आया है 6 लाख का जो कि काफी सारे लेटेस्ट रनिंग हैंडसेट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फ्रेंड्स ये तो हो गए लैग वाला आईसी, इसके अलावा काफी सारे बॉल आईसी आते हैं जिसे हम पीएमआई या फिर पीएमएल के नाम से जानते हैं, या फिर D8, D7, D6, इस तरह के काफी सारे आईसी आते हैं 9 बॉल के, 12 बॉल के। अभी लेटेस्ट में 25 बॉल का भी आईसी आ रहा है जिसमें लाइट और ग्राफिक दोनों मिलके देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड इस तरह से मीडियाटेक में भी काफी सारे आईसी आते हैं जो कि बॉल आईसी होते हैं या तो फिर लैग आईसी होगा तो यही वाला आईसी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, जरा सा भी स्किप मत करिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं कि मैंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स किसी भी सेक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले एक इनपुट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से यहां से एक वीपीएस लाइन यहां से इन होती है और बीच में आपको कुछ सीरीज में कॉइल या रेजिस्टर मिलेंगे और पैरेलल में यहां पे कंपोनेंट मिलेंगे जो कि कैपेसिटर कुछ हो सकते हैं। तो ये जो वीपीएस वोल्टेज है 4 वोल्ट यहां पे वी इन लिख के है जो कि वीपीएच इन होता है जो कि 6 नंबर पिन में इस आईसी के 6 नंबर लैग में इन होता है। और ये 6 नंबर लेग में इन होने के बाद यहीं से ये वोल्टेज निकल करके एक बूस्ट कॉइल मिलेगा आपको सीरीज में और इस बूस्ट कॉइल के थ्रू ये वापस से 4 नंबर में 4 नंबर पिन में इन हो जाता है। और ये 4 नंबर पिन जो होती है फ्रेंड्स यहां पे होती है स्विचिंग जहां पे SW लिखकर है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फ्रेंड यहां पे हमने 4 वोल्ट इन किया है और ये जो लाइट हमारी चलती है फ्रेंड्स ये 16 से लेकर 40 वोल्ट के आसपास आपको इसमें डिस्प्ले को जलाने के लिए वोल्टेज चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 वोल्ट है और यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद इस बूस्ट कॉइल की मदद से यहाँ पे एक बूस्ट वोल्टेज बनाया जाता है। और ये कैसे वोल्टेज बनता है, कैसे उसको चेक करना है, ये मैं लाइव आपको क्लास के अंदर सिखाऊंगा प्रैक्टिकली चेक करके। अगर आपके पास काफी सारे प्रॉब्लमेटिक हैंडसेट्स है वो भी आप हमारी क्लास में ला सकते हैं जहां पे आप इजीली रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स यही स्विचिंग होने के बाद ये वोल्टेज जो है फ्रेंड्स यहां से निकल करके एक सीरीज में आपको डायोड देखने को मिलेगा जहां पे डायोड के एनोड में आपको ये वोल्टेज इन होगा और कैथोड से आउट होगा। और कैथोड से आउट होने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ये लकीर जो है डायोड का माइनस सिरा है, यहां से वोल्टेज आउट होकर के एक लोड कैप में जाता है जो कि एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर यहां पे आपको देखने को मिलेगा हर एक लाइट सेक्शन में आपको। तो यहां पे 50 वोल्ट के कैप में जाने के बाद फ्रेंड्स यहां से यही वोल्टेज डिस्प्ले के कनेक्टर में चला जाता है और इसी लाइन को फ्रेंड्स हम VLED प्लस बोलते हैं या फिर एनोड लाइन जिसे कहा जाता है या फिर प्लस पॉजिटिव लाइन जिसे कहते हैं जो कि आपको कनेक्टर तक यहां तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स अगर आप बंद कंडीशन में ओनली चार्जर लगा के बैटरी लगा के चेक करेंगे तो यहां पे आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जब मोबाइल को आप ऑन कर लेंगे, हैंडसेट को ऑन कर लेंगे और प्रॉपर अगर से बूस्ट वोल्टेज बन रहा है तो यहां पे आपको 16 से 40 के आसपास वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारी एनोड लाइन जो कि पहले वीपीएच लाइन थी और बूस्ट कॉइल के बाद यहां से स्विचिंग होने के बाद इसी लाइन को हम एनोड लाइन कहते हैं। तो जहां पे पॉजिटिव हम इस आईसी को दे दिए फ्रेंड्स तो साथ ही साथ इस आईसी को अब ग्राउंड देना होगा आपको। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 नंबर जो है यहां पे ग्राउंड है और 2 नंबर इसी के साथ कनेक्टेड होता है या तो फिर NC यहां पे ये पिन आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव लाइन हमारी हो गई, 6 और 4 को मिला के पॉजिटिव लाइन हमने बना ली और आईसी के लिए ग्राउंड यहां पे हमने दे दिया। अब इस आईसी से फ्रेंड्स यहां पे 1 नंबर पे जो FB फीडबैक जहां पे लिखा है फ्रेंड्स 1 नंबर पिन जो होती है फ्रेंड्स इसकी कैथोड की पिन होती है जो कि हम माइनस की पिन भी जिसे कहते हैं। दोस्तों यहां पे एक चीज नोटिस आपको जरूर करना होगा, इस लाइन में यहां पे एक रेजिस्टर लगा होगा जो कि 0 ओम्स का होगा और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा और ये रेजिस्टर अगर निकाल देंगे आप तो यहां पे ये लाइट नहीं जलेगी आपकी, क्योंकि यहां से इस लाइन से ग्राउंड मिस हो जाएगा। तो ये एनोड लाइन हमने देख लिया और कैथोड लाइन भी हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स बहुत सारे आईसीओ में कभी I2C लाइन से उस आईसी को कंट्रोलिंग कराया जाता है, उस आईसी से वर्क कराया जाता है,
किसी में आपको एसपीआई लाइन देखने को मिलेगी। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सीपीयू के जो प्रोटोकॉल होते हैं उससे कंट्रोलिंग कराया जाता है, लेकिन इस आईसी में फ्रेंड्स यहां पे जो कंट्रोलिंग कराया जा रहा है, पांच नंबर पिन जो कि ब्लू लाइन है यहां पे आप देख सकते हैं, पावर आईसी से यहां पे इसको कंट्रोलिंग कराया जाता है। और इसी लाइन से फ्रेंड्स यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आईसी, यही लाइन आपकी पांच नंबर पिन आपकी डिस्प्ले कनेक्टर तक भी जाती है, जिसको हम LCDPWM के नाम से जानते हैं। यहां पे अगर आप DSO से चेक करेंगे तो आपको पल्स देखने को मिलेंगे। PWM जो होता है फ्रेंड्स, ये पल्स विथ मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं, जहां पे आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे। और यहां पे ये लाइन अगर आपकी ओपन हो जाए या मिस हो जाए तो लाइट आपकी बिल्कुल भी नहीं जलने वाली। तो फ्रेंड्स ये एक 6 लेग का आईसी है। अगर इसका डायग्राम मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, यही डायग्राम यहां पे है दोस्तों। हमारे यहां पे फोनफिक्स हैदराबाद में एक इंटरनल सर्किट की नॉलेज आपको देते हैं, आपको इस लेवल का टेक्नीशियन बना देते हैं कि आप जाकर के कोई भी हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी डायग्राम रीड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हम हार्डवेयर सॉल्यूशन से बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको हम जो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स इंटरनल सर्किट की पूरी नॉलेज देते हैं आपको, ताकि आप जाकर के बहुत ही इजी वे में आप काम कर सकें। ताकि फ्रेंड्स ये आईसी तो इस हैंडसेट में लग के है, अगर काफी सारे हैंडसेट का डायग्राम आपको अगर नहीं मिलता है उसके बावजूद भी आपको बनाना है तो आप आईसी का सर्किट डायग्राम कोई भी हैंडसेट से खोल करके उसे बना सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं। जरूरत होती है फ्रेंड्स के कौन से पिन पे क्या वोल्टेज आ रहा है, कहां पे कंट्रोलिंग लाइन चल रही है, कहां पे इनेबल सिग्नल आ रहा है, कहां पे I2C लाइन आ रही है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स फोनफिक्स हैदराबाद एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है इंडिया के अंदर, जहां पे बच्चे एक भरोसे से आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स हमारे यहां पे दुबई और नेपाल, काफी सारे अदर कंट्री से भी लोग आ चुके हैं, हमारे यहां पे आकर सीखकर जा चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स फोनफिक्स हैदराबाद की जो टीम है बहुत ही फ्रेंडली नेचर की टीम है हमारे यहाँ पे आपको, और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, फैकल्टी जो है हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो शॉप का काम है, हम हर रोज शॉप का काम करते हैं, स्टूडेंट्स के सेट्स बनाते हैं, इतने फॉल्ट हमको देखने को मिलते हैं जो कि हम हर रोज फॉल्ट देखते हैं। फोनफिक्स हैदराबाद टीम दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूट से अलग इसलिए है फ्रेंड्स, यहाँ के जो फैकल्टी है फ्रेंड्स महीने में काफी सारा टाइम वो अपने रिसर्च पे लगाते हैं, कस्टमर के हैंडसेट को बनाने में लगाते हैं, स्टूडेंट्स के हैंडसेट को रिपेयर करने में, फॉल्ट को फाइंड आउट करने में, रिसर्च करने में लगाते हैं। इसलिए हमारी टीम यहाँ पे कुछ अलग ही रिजल्ट देती है। हमारे साथ जुड़ जाइए, फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ जुड़ जाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने शॉप को अपडेट करिए, अपने बिजनेस को अपडेट करिए, जरूर और जरूर आप बहुत कामयाब होंगे और अच्छे लेवल पे जाकर के काम करेंगे। हमारे फोनफिक्स हैदराबाद के पेज को देखिए, फेसबुक पेज पे जाइए, देखिए बच्चों के जितने भी पोस्ट होते हैं, हर रोज वो काम करते हैं, उनकी के पोस्ट में यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज पे डालता हूं। हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखिए आप, हर रोज में बच्चे जो काम कर रहे हैं उन्हीं के पोस्ट डालता हूं फ्रेंड। जितने भी पोस्ट में डालता हूं, जितने भी पिक्चर्स हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको देखने को मिलेंगे, सभी के सभी हमारे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं जाकर के उन्हीं के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ एक इंटरनल सर्किट की नॉलेज को सीखने के लिए। फ्रेंड ये किस तरह से यहां पे आपको बनाना है, ये किस तरह से बनाया जाता है, मैं एक एक सर्किट के एक एक लाइन के बारे में आपको बताऊंगा क्लास के अंदर, आपके हाथ से डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है और आप सिर्फ आईसी पे आईसी बदलते जा रहे हो फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड आपको चेक करना होता है ये सारे कंपोनेंट जो कि यहां पे आपको आईसी के आसपास में लगे होते हैं। सबका कुछ ना कुछ एक वैल्यू होता है, कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं, कुछ एनसी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक लाइन कहीं ना कहीं से शुरू होती है और किसी न किसी आईसी को जाके वो कनेक्ट होती है। तो ये कहां से स्टार्ट करना है, कहां से खत्म करना है, कैसे चेक करना है, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर, यही जो लाइन्स है हमारे देख सकते हैं कैथोड की लाइन्स और PWM लाइन और आपकी एनोड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो ये बैकलाइट्स का जो सर्किट है फ्रेंड्स ये कैसे समझना है, क्योंकि ये तो हर एक में यही वाला 6 लेग का आईसी मिलेगा ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे आईसियां होती हैं, कभी बॉल आईसी मिलेगा, किसी में डिजिटल सर्किट मिलेगा, किसी में एनालॉग सर्किट मिलेगा आपको। तो ये आपको सीखने को मिलेगा फोनफिक्स हैदराबाद के अंदर। तो जल्दी से कॉल करिए, अपना सीट कंफर्म करा लीजिए। हर महीना बैचेस होते हैं हमारे यहाँ पे,
एक बेसिक टू एडवांस क्लास होती है 20 दिन की, जिसमें 10 घंटा हम क्लास लेते हैं, जिसमें 2 से 3 घंटा यही सर्किट डायग्राम आपको सिखाते हैं, साथ ही साथ 8 घंटे आपका हैंड स्किल का काम हम आपको सिखाते हैं। इसके अलावा आपने NEMMC का कोर्स करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 10 दिन का क्लास है, बहुत ही कम फीस रखी गई है, इंडिया में सबसे कम फीस हमारे यहां पर है, और दोनों कोर्सेज में रहने के लिए रूम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, मदरबोर्ड हम आपको काम करने के लिए देते हैं ताकि आपका हैंड स्किल अच्छा हो, और आपको भी साथ में अपने साथ भी बहुत सारे स्क्रैप बोर्ड्स लेकर आने होते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल में कभी कोई ऐसी निकालने से डरे नहीं। अब देख सकते हैं जाकर के YouTube के हमारे दूसरे वीडियोस में 2-3 दिन में बच्चे क्या लेवल पे पहुंच चुके हैं, ब्लैक पेस्टेड IC खोल रहे हैं, CPU खोल रहे हैं, MMC खोल रहे हैं, पावर खोल रहे हैं, डेड हैंडसेट बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अनलॉकिंग कर रहे हैं, इजी जेटैग और UFI का एक कंप्लीट नॉलेज वो सीख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि और किन टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, पिछले वीडियोस में जो आपने लाइक किया है, जो कमेंट किया है, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमारे लिंक्स को यूट्यूब के शेयर कर रहे हैं, दोस्तों आप सबका तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, पूरी फोनफिक्स की टीम आपको थैंक्स कहना चाहेंगी कि हमें सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों यही चीज होती है कि आप हमें सपोर्ट करते रहे, इसी तरह से हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपको सर्किट सिखाते रहेंगे, हम आपको सॉल्यूशंस देते रहेंगे, इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे, जब मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, इंडिया में हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, जितने भी हमारे साथ जुड़ के रहेंगे इंडिया एक ना एक दिन चाइना से बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अगर हम अच्छे से सर्किट को समझ के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, दिल जान लगा के काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जरूर हम बहुत आगे जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जुड़े रहिए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।